नमस्कार दोस्तों, तेलुगु फिल्म जर्सी की हिंदी रीमेक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है आफ्टर कलेक्टिंग बैरली ₹20 crores एट द बॉक्स ऑफिस। सो व्हाट हैपेंड हियर? आर पीपल टायर्ड ऑफ रीमेक्स? वेल, आई थिंक दैट मे बी जस्ट वन ऑफ द रीजंस, बट डेफिनेटली नॉट द मेन रीजन। अगर ऐसा होता तो कबीर सिंह इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं बनती। लेट मी एडमिट दैट आई रियली एडमायर शाहिद कपूर। मुझे लगता है कि ही कैन अडैप्ट हिमसेल्फ टू एनी काइंड ऑफ रोल, एंड सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी डिस्पाइट हैविंग वॉच्ड द ओरिजिनल तेलुगु वन। और इसके बावजूद मैंने खुद ये मूवी थिएटर में नहीं देखी, आई सॉ इट ऑन नेटफ्लिक्स। चीटिंग करता है तू। लेट मी एक्सप्लेन वाई। इस रीमेक की पहली अनाउंसमेंट हुई थी 2019 में, जब हमें ये पता चला कि अगस्त 2020 में मूवी रिलीज होगी। Then the pandemic and lockdown happened. फिर जनवरी 2021 में अगली अनाउंसमेंट हुई that the movie would release in Diwali, that is November 5, 2021. And दिवाली के कुछ हफ्ते पहले it was again postponed to December 31. और मुझे लगा इस बार तो पक्का रिलीज होगा, क्योंकि for the first time they released a proper trailer of the movie, जिसके ऊपर मैंने एक reaction video भी बनाया था. But once again at the last moment, the release was postponed and the new date was almost 4 months ahead, that is April 14. मतलब अब तक तो interest almost खत्म हो चुका था, फिर भी हमने wait किया और फिर एक बार at the last moment, the release was postponed to April 22. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। This constant postponing of the movie really affected the hype that was surrounding it. In fact, जब finally April 22 को release हुई movie, बहुत लोगों को इसकी खबर तक नहीं थी। और ये जो इतना बड़ा time gap था from the movie announcement to the release date, they had free access to this Hindi dubbed version of the movie on YouTube. And this Hindi version on YouTube started getting more and more traction with time. And today it has more than 100 million views. That's a huge number considering that they were planning to make a Hindi remake of this. मैं ये सोच रहा हूँ कि producers ने इस बात को ignore कैसे किया? Probably after getting the rights for the remake, they could have done something like not allowing any YouTube channel to upload the Hindi version, but they didn't seem to care at all. It seemed they were overconfident. And the sad part is that this Hindi dubbed version has totally messed up the movie. जो twist आप original movie के climax में देखते हो, यहाँ पर you get to know that in the first 10 minutes of the movie itself. पूरी मूवी एक्सपीरियंस खराब हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई दे हैड टू डू दिस रीएडिटिंग। और इस हिंदी डब वर्जन में सिर्फ फुटेजेस को रीएडिट नहीं किए, दे इवन चेंज द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी। एनीवेज, द पॉइंट इज दैट दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड एनीवन कैन वॉच इट फॉर फ्री। अब आगे बढ़ने से पहले, आईपीएल फाइनल मैच के पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि मैच कौन जीतेगा एंड व्हाट वुड बी द मार्जिन ऑफ द विक्ट्री। 5 लोगों ने इसका सही जवाब दिया और उनके नाम है श्रीरामा दुर्गेश एम, अर्णव तिवारी, ऋषि राजर्षि दे एंड मिस्टर जी टी विन बाई 7 विकेट्स। बहुत ही यूनिक नाम है। एंड स्पेशल मेंशन टू मिस्टर वैशाख एस, जिन्होंने विनर और मार्जिन ऑफ विक्ट्री के साथ फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर भी सही प्रिडिक्ट किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कमिंग बैक टू जर्सी, तो ये जो दो रीजंस हैं, फर्स्ट इज रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन करना एंड सेकेंडली द इजीली अवेलेबल हिंदी डब वर्जन ऑन यूट्यूब, वेर द टू मेन रीजंस व्हाई आई फील द मूवी फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। बट वेट अ सेकेंड, मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जले पे नमक छिड़कना पसंद था, एंड सो इतनी बार रिलीज डेट पोस्टपोन करने के बाद फाइनली जब मूवी रिलीज भी हुई, अ सुनामी कॉल्ड केजीएफ चैप्टर 2 वाज रिकिंग हैवॉक एट द बॉक्स ऑफिस। देयर वाज नो चांस अ लो हाइप्ड मूवी लाइक जर्सी कुड मेक एनी इंपैक्ट। So this was like the final nail in the coffin for Jersey's fate at the box office. It's very sad because Shahid Kapoor deserved better than this. Mujhe yaad hai trailer ke baad there were so many hate comments against him ki Shahid cannot do better than Nani, Shahid should stop acting in South remakes and things like that. देखो, first of all, लोगों को ये समझना चाहिए that Shahid Kapoor is not the producer of this movie, nor was he producer for Kabir Singh. He is just an actor who was asked to do this movie by the producers who got the rights to remake this in Hindi. अरे, even the director was same as the original one. And see, both Shahid and Nani were brilliant in their rendition of their characters. And more importantly, they both have immense respect for each other. दोनों actors ने public platform पर एक दूसरे की तारीफ की है. Okay, so far हम बात कर रहे हैं कि why Jersey failed at the box office. बट मुझे कैसी लगी मूवी? जब मैंने 2020 में ओरिजिनल जर्सी देखी थी, आई जेन्युइनली लाइक द मूवी। नानी वाज सुपर्ब एंड सो वर द अदर एक्टर्स। द फादर सन रिलेशनशिप वाज द हार्ट ऑफ द मूवी एंड इट वाज पोर्ट्रेट वेरी नाइसली। और स्टोरी भी काफी इंस्पिरेशनल थी ऑन हाउ अ 36 ईयर ओल्ड मेक्स हिज कमबैक टू क्रिकेट। Although I was not 100% convinced with the cricket part, the part where the chasing team scores 352 runs in 47 overs in 4th innings of a test match. But more on that later. Now by the time this remake version came, मैंने बहुत सारे क्रिकेट बेस्ड मूवीज देखे और हाल ही में जस्ट फ्यू डेज बिफोर वॉचिंग जर्सी मैंने एक और क्रिकेट बेस्ड मूवी देखी थी, कौन प्रवीण तांबे। दोस्तों, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज दिस ईयर सो फार। अगर आपने देखी नहीं है तो प्लीज देखिए। द मूवी इज अ रियल लाइफ बायोपिक ऑफ अ क्रिकेटर हु मेड हिज डेब्यू एट द एज ऑफ 41।
And then few days later, I saw Jersey, which is a fictional story of a 36-year-old making comeback in cricket. Comeback at 36 feels somewhat less inspiring than debut at 41, especially when it's a true story. Main janta hu ki it would be very unfair to compare biopic with fiction, but honestly, watching Kaun Praveen Tambe first definitely influenced the way Jersey was going to have an impact on me. And the result was that I was not able to connect with Jersey on an emotional level as I did with Kaun Praveen Tambe. Yes, I did love the cricket action in this Jersey remake. Shahid Kapoor as a cricketer appears very convincing. He plays some lovely shots, my favorite one being this gorgeous cover drive. The cricket action was captured rather smoothly with minimum cuts on many occasions. So the problem was not with the cricketing action. My concern was with respect to the cricketing drama. Dosto, the year is 1996. हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब एक टेस्ट मैच में स्कोरिंग 3 रन पर ओवर वॉज कंसिडर्ड अ गुड स्ट्राइक रेट और ऐसे समय में वी आर सीइंग अ टीम चेस 352 रन इन 47 ओवर्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1996 में दिस वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट, लेकिन सबको बाहुबली क्यों बनना है? ऑफ कोर्स 47 ओवर्स में 352 रन चेस करके आप सुपर हीरो बन सकते हैं, यूर फैंस विल लव दिस. Or you can chase down a more believable target of 250 runs in 47 overs in 4th innings of a test match in 1996, which will make you a more mortal and relatable hero rather than being a superhero. Aur main yahan par sirf Jersey ke bare mein baat nahi kar raha hu. This is the case with most of our filmmakers who make movies on cricket. I don't know why our directors are obsessed with putting our heroes in an impossible situation so that they can come out of it looking like invincible winners. I mean, why not put our heroes in a difficult but not an impossible situation and have our heroes come out of it like regular winners? Relatability is the factor here. And I don't know how I feel that at a time when test cricket is facing existential crisis, we see a new batsman coming in a test match and hitting 3 consecutive sixes immediately after the team was 2 wickets down. Hopefully our filmmakers will work on this and make the thrill element of the sport more believable. Jersey ke jo final movements hai, it was very difficult for me to not think about another cricket based movie, Dil Bole Hadippa, where the character Rohan Singh played by Shahid Kapoor is placed in a very similar situation. दोनों मूवीज में सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पर शाहिद अटेम्प्ट्स टू टेक अ रिस्की सिंगल टू रिटेन स्ट्राइक फॉर द नेक्स्ट ओवर एंड इन बोथ द मूवीज इट ऑलमोस्ट रिजल्ट्स इन अ रन आउट. और फिर इनिंग्स के लास्ट बॉल पर चारों रन्स भागकर निकालते हैं दोनों मूवीज में. दोनों मूवीज में शाहिद कपूर भागते वक्त इज लाइक यस 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 कम ऑन, वहां पर रानी मुखर्जी स्लाइड्स आर बैट इन, यहां पर इट शाहिद कपूर, देयर इज एन अपील फॉर रन आउट व्हिच इज डिक्लेयर्ड नॉट आउट बाय द अंपायर. ओवरऑल गाइस, मैं यही कहूंगा कि जर्सी इज अ लॉयल एंड डिसेंट रीमेक ऑफ द ओरिजिनल तेलुगु मूवी. अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट यू वॉच द तेलुगु मूवी विद सबटाइटल्स. और अगर आपको हिंदी में ही देखना है तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीमेक, लेकिन भगवान के लिए प्लीज डोंट वॉच दैट हिंदी डब्ड वर्जन ऑन यूट्यूब. इट हैज टोटली मेस्ड अप द मूवी थ्रू सम पॉइंटलेस री एडिटिंग. तो दोस्तों, लेट मी नो इफ यू अग्री विथ माई व्यूज. अगर आपको लगता है कि कोई और वजह थी जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हुई, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें. प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ. यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो.